एयर कंडीशनर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, अगर उसमें बार बार लीकेज हो रहा है तो बार बार कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं कि अगर लीकेज हुआ सिस्टम, उसमें गैस चार्ज कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि एक सीज़न चल जाता है, फिर नेक्स्ट सीज़न क्या होता है, जो बड़ी कंपनी में काम करते हैं जो कि जो थोड़ा लापरवाह होते हैं तो क्या करते हैं कि गैस चार्ज करते हैं, लीकेज ढूंढने लापरवाह क्या होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता है काम, जिसके पास प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है लीकेज चेक करने का, गैस मार दिए उसके बाद एक सीज़न चल गया छोड़ देते हैं, अगले सीज़न में फिर जब इसी स्टार्ट करना होता है तो फिर गैस चार्ज करते हैं। इससे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर के ऊपर, आज कंप्लीट हम बात करने वाले हैं, छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये कस्टमर के लिए जो यूजर हैं एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर जो यूजर हैं उनके लिए काफ़ी खास होने वाला है, इसको समझ लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि तो हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो देख पाएँ। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ। तो हम बात करते हैं टॉपिक की कि अगर बार बार रेफ्रिजरेंट रिलीज होता है, निकल जाता है, तो बाद में ना आप क्या करते हैं, टेक्नीशियन जो होते हैं गलती तो करते हैं, तो उसे नुकसान की किसको भरना पड़ेगा, जो यूजर हैं उनको नुकसान भरना पड़ेगा। क्योंकि बार बार अगर गैस निकल रहा है, आप बार बार चार्ज कर रहे हैं हर साल, तो इससे क्या होगा कि गैस तो ऐसे तो आप 2,000-2,500 जितने में भी चार्ज करते हो, 1,000 में जितने में भी, वो तो टेक्नीशियन के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना ले लें किससे। तो अगर ये चार्ज कर रहे हैं तो आप बार बार चार्ज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि कंप्रेसर सबसे महंगा तो होता है, कंप्रेसर एयर कंडीशनर में सबसे महंगा पार्ट होता है। अगर कंप्रेसर ख़राब हो जाए तो कम से कम, अगर 1.5 टन का कंप्रेसर बात करें तो कम से कम आपका 10,000 से ऊपर जाएगा, 10,000 से 12,000 के बीच में कंप्रेसर आएगा रोटरी टाइप। अगर 2 टन का है तो फिर समझ लीजिए कि आप 15,000 या फिर 15,000 के धक्के में चले जाएंगे। इससे क्या, अब देखिए कंप्रेसर ख़राब कैसे हो जाएगा बार बार गैस रिलीज होने से, तो इससे क्या होगा कि गैस अगर बार बार निकल रहा है तो, अब गैस निकलता है तो उसके साथ में ऐसा नहीं है कि गैस निकल रहा है तो गैस ही निकलेगा ना, उसके साथ में ऑयल भी निकल जाता है। कहीं से भी आप देखे होंगे जब भी लीकेज जहाँ पे होता है उस जगह के उस एरिया का, चाहे वो कूलिंग कॉइल हो, कंडेंसर हो या फिर सर्विस वाल पे हो, जहाँ पे भी हो जहाँ पे लीकेज होता है वहाँ पर क्या होता है कि पूरा ऑयलिंग हो जाता है, पूरा ऑयलिंग ऑयलिंग भर जाता है वहाँ पर। कहीं भी आप देख लीजिए, 100% मैं ये बता रहा हूँ, आप खुद से भी देख सकते हैं, जहाँ भी लीकेज होगा एयर कंडीशनर में आप वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ पर ऑयल ऑयल हो जाता है। कुछ टेक्नीशियन तो आसान होता है ढूंढना, लीकेज ढूंढना, कि वो लीकेज नहीं ढूंढते हैं बल्कि ऑयलिंग ढूंढते हैं कि ऑयलिंग कहाँ पे है, क्योंकि लीकेज आप पूरे सिस्टम में कहाँ कहाँ झाग से आप चेक कर पाएंगे, उससे बेहतर है कि ऑयलिंग आप देख लें और उसी जगह पर सर्फ के झाग से आप पॉइंट को ढूंढ लें कि लीकेज का पॉइंट कहाँ पे है। तो इस तरह से जब गैस निकलता है उसके साथ में ऑयल भी निकल जाता है, ऑयल निकलता है तो क्या होता है कि कंप्रेसर जब ऑयल 50% से ज़्यादा जब बाहर निकल जाएगा ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि कंप्रेसर हीटअप होने लगता है। वैसे जब कंप्रेसर हीटअप होगा तो समझ लीजिए कि बार बार हीटअप होकर के ट्रिप होगा। अब बार बार ट्रिप होगा, हीटअप होगा, तो कंप्रेसर तो ख़राब हो ही जाएगा एक ना एक दिन। तो ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी अगर गैस निकल जाता है सिस्टम से तो उसके साथ में ऑयल भी निकल जाता है। ऑयल निकल क्या, ऑयल की क्या, अब देखिए यहाँ पर ऑयल क्या करता है, जो उसमें पार्ट होते हैं मैकेनिकल, जो पार्ट होते हैं जो रन करते हैं कंप्रेसर के अंदर, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उस सारे पार्ट को चलाने में मदद करता है। जैसे कि आप ले लीजिए पंपिंग सेट और बाइक का जो इंजन होता है, वो सब कुछ एक जैसे होता है, कंप्रेसर ये सारे इंजन एक जैसे होते हैं। तो अगर इस तरह से ऑयल बाहर निकल जाता है तो अब बताइए कि जब अगर बाइक से जो मोबिल होता है वो अगर बाहर निकल जाए तो उसमें इंजन हीटअप होगा, इंजन सीज हो जाएगा, इंजन बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, उसके सारे स्पेयर पार्ट कट जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम होता है कि कंप्रेसर फिर आप ख़राब हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, बैक मारने लगेगा पंप, उसका जो बैक जो सक्शन के रास्ते से खींचना चाहिए वहाँ से बैक वापस मारना लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, यानी कि कंप्रेसर के सारे पार्ट खींच जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो आपको कंप्रेसर चेंज करना ही पड़ेगा। तो छोटे से प्रॉब्लम के लिए अगर आपका लीकेज होता है सिस्टम, गैस निकल जाता है, तो सबसे पहले आप लीक को रिपेयर करें,
लीक को रिपेयर करने के बाद ही गैस चार्ज करें, यानी कि एक बार अगर गैस चार्ज आपने कर दिया तो कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल, अगर ना पूछना 5 साल तो नहीं कह सकते, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल अगर ना पूछना पड़े और उस जगह से लीकेज ना हो जहां आपने रिपेयर किया है, दूसरी जगह से लीकेज होता है तो इसमें टेक्नीशियन की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर उसी जगह से फिर से लीकेज हो जाता है जहां आपने रिपेयर किया है तो ये टेक्नीशियन की गलती है कि आपने वहां पर ब्रेजिंग कैसे किया है। तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है अगर आपका एयर कंडीशनर अगर बार बार लीक हो रहा है, गैस चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।